हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राज टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है कि क्लियरट्रिप के वाउचर को लेके क्या क्या नए अपडेट्स आने वाले हैं 2023 में। इस पर पहले वीडियो में डाल चुका हूँ, लेकिन आज मुझे फिर से इस टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि अब फाइनली वो दिन आ गया है। देखिए दोस्तों, आपको सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पे साल पे 2000 का वाउचर मिलता था, एक जब आप 1 लाख का माइलस्टोन पूरा करते थे, और जब 2 लाख का माइलस्टोन पूरा करते थे तब फिर से एक 2000 का क्लियरट्रिप का वाउचर मिलता था। लेकिन पहले जो वाउचर मिलता था वो कुछ इस तरह का होता था, उसमें जो है आपका वाउचर का कोड होता था और पिन भी होता था। लेकिन अब जो वाउचर आने लगे हैं, आज से जो भी नए वाउचर मिले जिनको भी, उनको कुछ इस तरह का वाउचर मिलने लगा है। इसमें पिन नहीं है, वैलिडिटी तो वैसा ही है, सब चीज़ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे पिन नहीं है। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, पहले जब आप कोई भी फ्लाइट बुकिंग करते थे तो 2, 2, 4, 2, 6, 6 हज़ार या उससे ज़्यादा का फ्लाइट बुकिंग का जो फेयर होता था, तो वहाँ पे आप पहले पहले की बात कर रहा हूँ मैं, पहले आप 3 वाउचर लगा सकते थे एक बुकिंग पे। अगर आपके पास 3 वाउचर है तो तीनों वाउचर को एक साथ एक ही बुकिंग में यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब सिर्फ एक ही वाउचर जो बिना पिन वाला मिला हुआ है आप उसे बस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाउचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे, और इसका जो मार्केट में जो है वाउचर बहुत सारे हो जाएंगे लेकिन यूज़ कम हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है एक बुकिंग में 3 वाउचर यूज़ हो जाता था, अब जो है आपको 3 बुकिंग में 3 वाउचर एक एक करके यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक नुकसान हो गया। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि पहले क्या होता था, जैसे कि आपका 6 हज़ार का फेयर है, ठीक, 10 हज़ार का आपका टिकट बुक कर रहे हैं तो आपने 3 वाउचर लगा दिए एक साथ, उसके बाद जो बाकी अमाउंट है 4 हज़ार, वो किसी भी जो पेमेंट माध्यम होता है उससे पेमेंट हो जाता था पहले। लेकिन अब क्या होगा, आपका जो बचा हुआ अमाउंट है वो सिर्फ SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड से ही होगा। ठीक है, और जहाँ तक ये जो अभी, पहले तो रिफंडेबल था, पहले पहले जो वाउचर आते थे ना पिन वाला, वो रिफंडेबल था, आप कोई भी टिकट बुक करते थे कैंसिल करते थे जब, तो जो रिफंड होता था उसी वाउचर में आ जाता था, उसको रीयूज किया जा सकता था। लेकिन अब जो वाउचर आ रहे हैं ना, अब जो बिना पिन वाला आ रहे हैं उस, वो रिफंडेबल नहीं है, उसमें आपने एक बार यूज़ कर लिया मतलब ख़त्म। तो इस तरह से यहाँ पे जो है 3 चीज़ें हैं जिस वजह से इसका डिमांड बिल्कुल भी नहीं रहेगा। पहला मैंने बताया था, सिर्फ एक ही सिंगल वाउचर यूज़ करना होगा, एक बुकिंग में एक वाउचर। दूसरा, ये रिफंडेबल नहीं है। और तीसरा, वाउचर यूज के बाद रिमेनिंग अमाउंट सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना होगा। 3 यहाँ पे जो है चेंजेस, यहाँ पे बदलाव हमें दिख रहे हैं, तो इस तरह से इस वजह से इसका डिमांड बिल्कुल भी नहीं है अभी मार्केट में। तो आपको अगर और कुछ जानना है तो कमेंट्स करें, और अभी मैंने रिफंडेबल है कि नहीं है इसका कंफर्मेशन के लिए SBI को ट्वीट किया है, जैसे ही वहाँ से रिप्लाई आता है इसी वीडियो के कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर रिफंडेबल होता है तो भी बढ़िया हो जाएगा, लेकिन रिफंडेबल नहीं है तो यहाँ पे डिमांड पूरी तरह से ख़त्म है। तो इस तरह से जो नए चेंजेस है क्लियरट्रिप के वाउचर, अगर आपके पास हैं, आपको मिलते हैं, तो आप उसको यूज़ करते हैं फ्लाइट बुकिंग में, तो ये बदलाव है अब नए जो वाउचर मिल रहे हैं उसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन मुझे आज देना था। चलिए, मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।